हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फिर आज ही हूँ एक नई वीडियो के साथ, नए प्रोडक्ट के रिव्यू के साथ। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये प्रोडक्ट है क्या। जी गाइस, ये प्रोडक्ट है पर्स या बैग ऑर्गेनाइज़र, जो लेडीज़ पर्स होते हैं ये उसका ऑर्गेनाइज़र है। तो जल्दी से इसको खोलते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये थोड़ा सा गंदा हो रहा है, तो आप इस पर ना जाना। मैं आपको बाकी इसके प्रोडक्ट के बारे में बताती हूँ। तो जिस तरह से ये प्रोडक्ट है आप देख ही पा रहे हो स्क्रीन पे, तो काफ़ी लंबा लेंथ में काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो आपके बैग पर्स ऑर्गेनाइज नहीं हो पाते हैं, वो इधर उधर भटकते रहते हैं कबर्ड में या इधर उधर, तो आप एक ही प्लेस पे उनको सबको एक साथ अरेंज करके रख सकते हैं। बहुत मतलब अच्छी चीज़ है ये, अच्छा प्रोडक्ट है। अगर आप भी लेने की सोच रहे हो तो आप भी परचेज कर सकते हो इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वालिटी बहुत हैवी नहीं है, बहुत लाइट नहीं है, ठीक है, मीडियम है, वर्थ यूजिंग है, ऐसी क्वालिटीज़ की है। और इसमें अब हमें पर्सेस वगैरह यूज़ कैसे करने वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है एक पार्ट, ये इसमें तीन तीन पार्टीशंस दिए हुए हैं, ये बीच में एक, फिर ये एक, एंड देन आफ्टर देन वन पॉकेट दिस। तो ये बड़ा है ये उससे छोटा, ये उससे छोटा तो नहीं, बट हाँ इसमें आप और ज़्यादा बड़ा नीचे साइड रख सकते हो, थोड़ा कम बड़ा ऊपर की साइड रख सकते हो। तो मैं इसमें अभी आपको पर्स डालने के बाद भी एक साइड में स्क्रीन पे इसका लगा दूंगी, वीडियो भी इसकी लगा दूंगी कि इसको हम कैसे यूज़ करते हैं, और पर्स लगाने के बाद ये कैसा लग रहा है वो भी शेयर कर दूंगी। तो गाइज ये प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा लगा मुझे, आप भी इसको ले सकते हो। और इजी है, सबसे बड़ी बात इतना लाइट वेटेड है। आप इसको फोल्ड करके, अगर आपके काम में नहीं आएगा तो नॉर्मली इसको फोल्ड करके भी आप मतलब कहीं भी स्टोर करके ऐसे रख सकते हो। ऐसा नहीं है कि अगर आपने एक बार इसको ओपन कर लिया तो फिर आपके ये बाद में फोल्ड नहीं हो सकता। तो अच्छा प्रोडक्ट है, इसमें 6 पर्स का इसमें क्वांटिटी आ जाती है कि 1, 2, 3 दिस साइड एंड 3 बैक साइड। तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत अच्छी है। बस मैं पास से एक बार आपको दिखा देती हूँ कि ये प्लास्टिक नॉर्मल पॉलीथीन होती है ये वो, और ये जो कैनवास फैब्रिक होता है कुछ, ये वही वाला फैब्रिक है जो आजकल क्या बोलते हैं, जो ऑर्गेनाइजर्स वगैरह में यूज़ होता है, ये उसी टाइप का ही फैब्रिक है। तो जैसे आपको पास से फैब्रिक भी दिख गया, और इसका मैं साइज अब बता देती हूँ आपको कि इसका साइज भी क्या है। मैं ऊपर से स्टार्ट करती हूँ, जैसे हमने यहाँ से नॉर्मली ये, उसके बाद इसका 34 के बीच में ही इसका साइज आ रहा है। बात तो आप लोगों को ये प्रोडक्ट कैसा लगा आप भी ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने रिव्यू। अगर आप ऑलरेडी यूज़ कर रहे हो तो आपको यूज़ करने के बाद कैसा लग रहा है, और अगर आप लोगों को लेना है तो भी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो गाइज देखिए, मैंने सारे पर्स ऑर्गेनाइज कर लिए हैं, और आपको देख सकते हो ये इस तरह से, जैसे मैंने ये ऊपर वाली साइड में, यहाँ पे दो पर्स छोटे वाले हैं तो वो दो साथ में ऑर्गेनाइज करे हुए हैं, बीच में भी और लास्ट में भी, क्योंकि बड़े वाले पर्स मैंने लास्ट में रखे हुए हैं। तो आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। तो आप इस तरह से, और ये आप अपनी कबर्ड में, ये हैंगर है इसको हैंग कर सकते हैं। उसके बाद ये देखिए, अभी बहुत वेट लग रहा है मुझे, मैं जल्दी से बस दिखाती हूँ आप लोगों को। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, तो दोनों साइड से आपको विजिबल है अच्छी से। इस तरह से आप अपने पर्स बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो गाइस। तो ये मेरे को आपको दिखाना था, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।